Hello friends, as we are discussing our video series for class 10th students, so in this video we are going to discuss about nucleosomes and chromatin materials. So what basically are chromatin material we are going to discuss in this video. In our last video we have discussed about mitosis and meiosis and the chromosome structure we have discussed in my last video. So in this video we are going to discuss what basically is chromatin. So chromatin, these are the thread like linear complexes which consist of a protein molecule which is called as histone protein. You can write here histone protein, plus DNA. I think you all know, deoxyribonucleic acid. So chromatin, जैसा कि हम सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी होते हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो काफी फोल्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही आना है, न्यूक्लियस के अंदर स्पेस बहुत कम है, तो इसको फोल्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करना पड़ता है. तो उस फोल्डेड स्टेट को बेसिकली हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास डीएनए बाउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें लगभग रफली इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. तो हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन में भी अगर हम लोग बात करें तो हिस्टोन कोर होगा. उस हिस्टोन कोर के अंदर चार तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, उनका अलग अलग नाम होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ रेड कलर से लिख लेते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, और अगर हम लोग बोलें तो सबके फोर टाइप्स के हैं और नंबर इनके 8 है, सभी के 2-2 होते हैं, ऑक्टामेरिक है. तो इट इज अ ऑक्टामेरिक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन कोर. दिस इज व्हाट हिस्टोन कोर. तो इस हिस्टोन कोर में चार तरीके के प्रोटीन्स है हमारे पास, H2A, H2B, H3 और H4, और हमारे पास एक H1 होगा जिसको कि हम लोगों ने लिंकर डीएनए बोला हुआ है. ये लिंकर डीएनए बेसिकली हिस्टोन कोर को कनेक्ट करेगा. अगर हम लोग इस तरीके से बोले, दिस इज द हिस्टोन कोर, इसमें हमारे पास चार तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और इसको अगर हम लोग इस तरीके से कर लें, ओके, और यहाँ से ये इस तरीके से कुछ आया है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये जो हमारा बेसिकली पार्ट है इसको हम लोग लिंकर डीएनए बोलेंगे, ये वाला पार्ट, और ये पूरा हिस्टोन कोर. तो अगर हम लोग बेसिकली न्यूक्लियोसोम की बात करें कि बेसिकली व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स, कि न्यूक्लियोसोम्स किन को बोलते हैं, तो न्यूक्लियोसोम की अगर बात करें तो न्यूक्लियोसोम के पास ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स हिस्टोन कोर को और डीएनए को. यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्रोमैटिन थे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, लीनियर स्ट्रक्चर थे, और ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोसोम्स. यहाँ पे भी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की असेंबली हुई है. यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हिस्टोन कोर के अराउंड रैप्ड हो गया है, तभी तो हम लोगों ने इसका नाम रखा हुआ है लिंकर डीएनए. ओके, तो अगर हम लोग हिस्टोन कोर की बात करें तो लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं हिस्टोन कोर के अंदर, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें इसको, और 146 लगभग बेस पेयर्स होते हैं, जिसमें कि 146 हिस्टोन कोर के अराउंड रैप्ड होते हैं, 200 में से 146 रैप्ड होते हैं, और जितने भी बचे हुए 54 पेयर्स हैं बेस पेयर्स, वो एक्ट एज अ लिंकर डीएनए. ये 54 पेयर्स लिंकर डीएनए की तरह वर्क करेंगे. ओके, फिर ये हिस्टोन कोर की अगर बात करें तो ये डीएनए से बाइंड करके एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के बाद जब ये हिस्टोन कोर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको हम लोग सोलेनॉइड मॉडल बेसिकली बोलते हैं, और सोलेनॉइड के बाद मॉडल के बाद हमारे पास एक स्कैफोल्ड प्रोटीन होगा, वहाँ पे लूप्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, फाइनली रोजेट बनेगा, कॉयल बनेगा, और फाइनली हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे पहुंच जाते हैं. तो उतना डिटेल में आपको नहीं, जस्ट एक अगर मैं क्लास 10th लेवल की बात करूं तो 10th की बायो की बुक में एक काफ़ी अच्छा सा डायग्राम दिया है कि हम लोग कैसे कैसे क्रोमैटिन फाइबर से, हिस्टोन कोर से कैसे कैसे असेंबली होती है न्यूक्लियोसोम की,
न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है और कैसे 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 हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आज इतना ही था कि आपको बेसिकली पढ़ना होगा न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन बेसिकली क्या होते हैं। और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारे पास एक टर्म था लास्ट वीडियो में, क्रोमैटिड, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्रोमैटिन। क्रोमैटिड इज डिफरेंट एंड क्रोमैटिन इज डिफरेंट। क्रोमैटिन, दीज आर थ्रेड लाइक लीनियर कॉम्प्लेक्स विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, आई टोल्ड यू टुडे ओनली। एंड इन माय लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रोमैटिड्स। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम एंड दिस इज द रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ओके, दीज टू आर द क्रोमैटिड्स, यू कैन से सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके, एंड दिस इज द सेंट्रोमियर पार्ट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। And one more thing I want to tell you in this video, suppose if you want to calculate the number of chromosome in a cell, you have to calculate the number of centromere. So you can write one formula here, I'm going to write here, number of centromere you all know where the two arms are going to join, number of centromere equals to number of chromosomes. जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही उसमें सेंट्रोमियर्स होंगे, या जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही उसमें क्रोमोसोम्स। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो आपको उस समय पे सिर्फ सेंट्रोमियर पे फोकस करना होगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th लेवल के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपको बहुत ही डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप मुझे मेल कर सकते हैं, हमसे हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और हम लोग वहाँ पे बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देंगे आपको एज सून एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप वी विल मीट सून। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग लॉकडाउन को एंजॉय करते हुए पूरा पूरा टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपनी पूरी बायो को रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया, इसलिए प्लीज़ अपना रिवीजन कंटिन्यू रखें, वरना आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन बहुत ही एक बड़ा फैक्टर होता है लेस अचीवमेंट का। अगर आपको 100% स्कोर करना है अपने बायो के क्वेश्चन पेपर में, तो आप प्रॉपर अपना रिवीजन करते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।